Hello guys, I am Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in lecture number 14. आज हम थोड़ा सा और जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वो कॉमर्स का सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे आप जो है वो अगर आप यूज़र की बात करते हैं तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि यूज़र जो है वो किस तरीके से जो है आपके सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो करते हुए कैसे एक प्रोडक्ट को जो है वो बाय करता है एंड वो प्रोडक्ट कैसे आपके जो है डैशबोर्ड पे अपीयर होता है आज हम थोड़ा सा उस तरीके से देखते हैं। हमने एक और जो है वो कैटेगरी ऐड की थी जो है फ़ोन्स की, आईफोन ठीक है 78,000 का है, हम इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। ओके एंड हम कहते हैं कि भाई एक मोबाइल भी है कैटेगरी और ये फ़ोन है, आप देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट। अब मेरे पास टू आइटम्स हैं ऐड टू कार्ट के अंदर, 1, 2, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो 1, 1 है, वो 78,000 का है, ये 7,000 का है। ओके मैं क्या करता हूँ, चेकआउट करता हूँ। ओके दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो है वो कार्ट के अंदर ना, जैसे ही मैं वापस आता हूँ मेन पेज पे, यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, चेकआउट का, व्यू कार्ड का। व्यू कार्ड पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कार्ड के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी तो वो मुझे दिखाएगा। अगर वो कूपन जो है वो कूपन अवेलेबल है तो यहाँ पे वो कूपन जो है वो ऐड करेगा एंड दैट्स अबाउट इट। कूपन के बारे में हमने अभी तक नहीं देखा बट अगर हम जो है इनकी क्वान्टिटी बढ़ाते हैं, मुझे जो है ये चाहिए 3, ये चाहिए 7 ठीक है, 7 चाहिए, मैं अपडेट कार्ड करता हूँ। जैसे ही अपडेट कार्ड करता हूँ तो जाहिर सी बात है जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं तो आपकी अमाउंट भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट, जो है वो चेकआउट यहाँ से आप आएँ या चेकआउट यहाँ से आप आएँ डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अपनी जो है फिल करता हूँ वैल्यू, मैं कहता हूँ शेख़जी अहमद, कंपनी शेख़जी है, info@shekhzi.com, फ़ोन 0333 72 ब्ला 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 एंड यहाँ पे आने के बाद कंट्री सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ 31 DHA कराची ठीक है, और अपार्टमेंट ये मेरा एक्चुअल एड्रेस नहीं है, एंड टाउन कराची, स्टेट सिंध है, जिप कोड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई आप जो है वो इस तरीके से, आप यहाँ पे आने के बाद जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आप जो है वो जो यूज़र जो है वो पे करेगा वो किस तरीके से करता है, आइदर वो जो है वो पेपाल के थ्रू करता है, पेपाल वाया पेपाल, यू कैन पे विथ योर क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट्स और बैंक ट्रांसफ़र, कौन सा मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता हूँ, प्लेस ऑर्डर, जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा एंड ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है आपका। ठीक है, कार्ट जो है आपका एम्प्टी हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है वो प्रोडक्ट इतने हैं, टोटल इतने हैं, पेमेंट्स मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है, टोटल इतने हैं, कस्टमर नेम, ईमेल एंड ये कुछ जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये तो फ्रंट एंड का था जो यूज़र ने ख़रीद किया है। ठीक है, बट बैक पे क्या हो रहा है हम देखते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो कॉमर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक ऑर्डर आ रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर का 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर है 1, जाहिर सी बात है ये 1 ऑर्डर है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग में है बिकॉज अभी ऑर्डर आया हुआ है। मैं देखता हूँ कि भाई ये ऑर्डर कहाँ से आया हुआ है, 42 आइटम्स जो है इसने 10 लिए हुए हैं, शहजाद अहमद है, ये उसका पूरा एड्रेस है। उसके बाद में एक्शंस क्या हैं इसके, ठीक है मैं क्या करता हूँ इसको ओके करता हूँ, जैसे ही ओके करता हूँ कंप्लीट, तो अभी ये कंप्लीटेड ऑर्डर जो है ये कंप्लीटेड हो चुका है हमारा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये प्रोसेसिंग में है, क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग अप्लाई, ये अभी तक जो है वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग के अंदर है तो जाहिर सी बात है फिलहाल प्रोसेसिंग के अंदर है, आप जो है कॉल करेंगे वट एवर जो भी आपका जो है वो मैकेनिज्म होगा, यूज़र से आप पूछेंगे कि हाँ भाई वाकई आपको ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, जैसे ही आपको जो है वो पेमेंट वो रिलीज़ करता है तो आप यहाँ पर जो है वो बल्क एक्शन में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं मूव टू ट्रैश,
ऑन होल्ड कंप्लीटेड, जैसे ही ऑन होल्ड आप क्लिक करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ऑन होल्ड पे आपका जो है वो आइटम्स जो है वो चला जाएगा ऑन होल्ड पे। लेकिन जैसे ही क्लिक करते हैं और आप कहते हैं कि प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पे चला जाएगा। अगर आप कहते हैं कंप्लीटेड, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो है वो कंप्लीटेड आपका ऑर्डर हो चुका होगा कि भाई ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीटेड है वाया कैश ऑन डिलीवरी। एंड वो कॉमर्स के अंदर जो है वो कूपन्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ऑर्डर्स जो अभी आपने देखे कि भाई ऑर्डर जो है वो यूज़र कैसे जो है वो आप यूज़र कैसे आपको आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते हुए वो कैसे ऑर्डर कर रहा है और आपके पास जो है वो कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं, होम डैशबोर्ड पे, तो आपको जो है वो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये डैशबोर्ड है आपका पूरे का पूरा। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे आते हैं तो वो कॉमर्स स्टेटस आपका शो हो रहा होता है। आप यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि भाई टॉप सेलर दिस मंथ जो है सोल्ड 7 आईफोन 6s प्लस जो है वो इस महीने में टॉप पे है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है अवेटिंग 0 है, लो इन स्टॉक कोई भी नहीं है आपका, 0 प्रोडक्ट कोई भी नहीं है आपका, ऑन होल्ड आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद में नेट सेल दिस मंथ, जो भी सेल होगी आपकी वो दिस मंथ वो यहाँ पे शो हो रही होगी। फर्दर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ जो है वो ग्राफ जो है रिप्रेजेंटेशन आपकी हो रही होगी, एंड देन जो है वो आपको बता रहा होगा ग्रॉस सेल्स इन दिस जो है वो पीरियड, और उसके बाद में जो है नेट सेल इन दिस पीरियड, कुछ आपको जो है इस तरीके से जो है वो दिखा रहा होगा। ये आपकी जो है रिपोर्ट्स हैं आपकी, एंड आप लास्ट 7 मंथ 7 डेज की भी, जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियस जो है लेक्चर्स में बात की है, तो ये कुछ इस तरीके की ही हैं। अगर आप यहाँ पे आने के बाद ऑर्डर देखना चाहते हैं कि भाई ऑर्डर जो है वेटिंग में कितने हैं तो 0 है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से आप चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं यूजिंग WooCommerce। एंड आज के लिए इतना ही। आपको पता है कि हमारी WooCommerce सीरीज़ पे हम काम कर रहे हैं, एंड अगर आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस, हमारे कोर्सेज को जो है ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वाया ईमेल, वाया चैट, वाया ऐप भी, वाया ट्विटर और वाया लिंक्डइन अकाउंट, हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है, आप किसी भी तरीके से हमें जो है वो रابطے कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने जो है वो कुछ दिन पहले जो है कुछ लेक्चर्स, कुछ जो है वो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए थे। हम जो है मैं एज अ शेख्जी, एज अ टीचर, मैं कुछ कोर्स जो है वो मैंने ऑफ़र किए थे। कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोडिंग राइटर या बूटस्ट्रैप या PHP या jQuery ऑनलाइन सीखना चाहता है, स्काइप पे सीखना चाहता है, तो एक अमाउंट है उस कोर्स की, तो दैट सी बात है वो कोर्स जो है वो सीख सकता है। एंड जाहिर सी बात है अगर वो कोर्स आप ऑनलाइन कोर्स है, वो कोर्स जो है आप कोई भी जो है वो पिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, बूटस्ट्रैप 3 जो है वो 20,000 एंड 25,000 jQuery, 40,000 जो है कोडिंग राइटर है। फुल सपोर्ट आपको मिलेगी स्काइप पे, जो भी क्लासेस आपकी होंगी, आप क्लास स्काइप पे लेना चाहते हैं या जो मैंने आप जो है वो प्लेस बताई होगी वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, एंड फुल सपोर्ट मिलेगी आपको। एंड जो भी हमारे अगर आप कोडिंग राइटर सीरीज़ जो है वो चूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो है कोडिंग राइटर सीरीज़ यहाँ पे फ्री के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जो 86 हैं, जिनकी क्वांटिटी। अगर कोई भी आप ऑनलाइन लेक्चर जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो हम जो है आपको उन लेक्चर्स की जो है वो फुल जो है कोर्स की वीडियोस जो है हम आपको शेयर करेंगे, एंड जाहिर सी बात है हम स्काइप पे या जो है वो पर्टिकुलर जगह पे भी आपको जो है वो टीच करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।